सो यू व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, हम आज माइनक्राफ्ट की एक मतलब सीरीज चालू करने वाले हैं। एंड ये इस सीरीज़ का नाम होगा सर्वाइवल। मतलब भाई क्या ही नाम दिया है हमने इस सीरीज़ को। एंड गाइज, इस सीरीज़ में हम लोग बहुत लंबा चलाने वाले हैं इस सीरीज़ को। तो भाई सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने गेम पे ध्यान देते हैं। तो भाई हमको यहाँ पर चाहिए होगा थोड़ा बहुत वुड। तो हम सबसे पहले गाइस एक दो पेड़ को तोड़ लेंगे एंड ओक लॉग ले लेंगे। ओक लॉग के बाद गाइस हम उसको कन्वर्ट कर देंगे ओक प्लैंक्स में। तो गाइस सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं यहाँ पे इनको। तो भाई हम लोग को ना डर लग रहा है कि रात में अगर कोई जॉम्बी वॉम्बी आ गया ना तो भाई हालत टाइट हो जाएगी हमारी, क्योंकि कोई हथियार वथियार रहेगा नहीं। अभी गाइस जस्ट हमने अभी चालू किया है ये गेम, तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया है थोड़ा बहुत ओक वुड। अब यहाँ पे ये जो ओक लॉग है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ओक प्लैंक्स में। पर पहले थोड़ा बहुत और तोड़ लेते हैं या फिर अभी कन्वर्ट कर देंगे, पहले तोड़ लेते हैं भाई। तो भाई रात में ज़ॉम्बीज से बचने का मैंने एक ख़तरनाक जुगाड़ सोच लिया है। तो सबसे पहले हम लोग जितना वुड कलेक्ट कर सकते हैं कर लेते हैं, रात होने से पहले जितना कर सकते हैं। एंड गाइस जैसे ही रात होगी ना, मैंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि कोई भी ज़ॉम्बी हम लोग को मार नहीं पाएगा। बट अभी वो हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है। और भाई ये माइनक्राफ्ट का लॉजिक है, कुछ भी हो सकता है भाई इसमें। तो हम लोग सबसे पहले वुड तोड़ लेते हैं, जितना भी होता है ना हम लोग को सबसे पहले भाई वुड ही लेना है, क्योंकि वुड हम लोग को बहुत 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 काम आने वाला है। एंड वुड से ही हम लोग स्टार्टिंग में हथियार बनाएंगे, उसके बाद जो थोड़े होते हैं स्टोन वोन उनसे बनाएंगे, बट सबसे पहले हम लोग को वुड से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने दो पेड़ काट लिए हैं मेरे हिसाब से, हाथ दो पेड़ काट लिए। अभी इनका वुड हम लोग ले लेते हैं, अभी और वुड ले लेते हैं थोड़ा बहुत जितना ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बहुत सारा वुड कलेक्ट कर चुके हैं, 16 ओक लॉग्स हैं। इससे हम लोग थोड़ा बहुत तो बना लेंगे गाइस, ओक प्लैंक तो थोड़े बहुत बन जाएंगे मेरे हिसाब से। 64 ओक प्लैंक आराम से बन जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते गाइस, 64 ओक प्लैंक बन जाएंगे हम लोग के। 64 ओक प्लैंक भाई बहुत होंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़े बहुत हथियार बना लेंगे, बट उसके लिए पहले क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगा एंड वो हम लोग का ओक प्लैंक से ही बन जाएगा। तो 2 मिनट वेट करना है गाइस, हो गया। अब फटाफट ओक प्लैंक से हम लोग बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, बन गया। अब गाइस फटाफट इस क्राफ्टिंग टेबल से हम लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक बार देख लेते हैं गाइस, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है ना भाई पहले वही बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग को स्टिक चाहिए होगी कुछ भी बनाना है, तो पहले स्टिक बनाएंगे भाई। स्टिक क्यों घुसा दी मैंने, हाँ पहले स्टिक से जो बन रहा है वो बना लेते हैं। अभी यहाँ पे वुडन सोर्ड बन गई है, अभी यहाँ पे हम लोग को और स्टिक्स चाहिए होगी, स्टिक बना लेते हैं भाई। तो अभी हमने यहाँ पे ओक प्लैंक लगा दिया है, अब थोड़ी बहुत हम यहाँ पे स्टिक्स ले लेंगे, स्टिक्स भी बन गई है। अब यहाँ पे हम एक बार वुडन पिकेक्स बना लिया है, 2 वुडन पिकेक्स है एंड 2 स्वॉर्ड है, क्योंकि भाई ये जो चीज़ें ना इनकी ड्यूरेबिलिटी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अभी हमने वुडन पिकेक्स और स्वॉर्ड ये दोनों बना लिया है, और स्टिक्स हमारे पास गाइस बच गई है 3 एंड ओक प्लैंक्स पड़े हैं हमारे पास 46। अब गाइस हम लोग थोड़ी देर बाद एक अच्छी सी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हम अपना घर बना सकें। बट उससे पहले अभी आपको पता है अभी रात होने वाली है, एंड मैंने आपको जैसा बताया था हमने ख़तरनाक मास्टर प्लान सोच रखा है रात के लिए, तो हम वही करने वाले हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था मास्टर प्लान, तो भाई वो मास्टर प्लान यही है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे नीचे खोदते जाएंगे एंड सबसे पहले भाई सबसे पहले ऊपर का जो एरिया है ना भाई उसको ढक देंगे। पर उससे पहले हम लोग यहाँ पर जब भी तक दिन है ना हम लोग को लाइट आती रहेगी, और जितनी लाइट आ रही है उतनी ले लेते हैं, अपन का क्या जा रहा है। अभी हम यहाँ पे लाइट लेते लेते थोड़ा बहुत स्टोन माइन कर रहे हैं, बाद में हम स्टोन के हथियार भी बना लेंगे गाइस, क्योंकि स्टोन जो है ना उसके हथियार वुडन हथियार से तो ज़्यादा ही ताकतवर होते हैं। तो अभी स्टोन हम लोग ने ले लिया है 9 ब्लॉक्स, कॉबल स्टोन है 9 ब्लॉक्स का। एंड गाइस हमारे पास डर्ट पड़ा है 7, डर्ट का तो ऐसे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, वो कहीं पे भी मिल जाता है भाई। तो हमने यहाँ पे ले लिया है 11 कॉबल स्टोन, ये 12वां हो गया। तो भाई अभी हम धीरे धीरे ऊपर चल लेते हैं एंड ऊपर जाकर कुछ और काम कर लेंगे जो भी मिलेगा भाई। सबसे पहले ऊपर आ गई है डर्ट लगा लगा के कूद कूद के। एंड गाइस अभी हम थोड़ा बहुत और लकड़ी तोड़ेंगे या फिर गाइस, हाँ भाई शिप को मार रहे हैं, शिप को मार लेंगे भाई। शिप दिख गई, इसको मार दिया, ओके 2 बार में मर गई भाई। मेरे को लगता है पहले से इसकी हेल्थ कम होगी या फिर हमारी वुडन स्वॉर्ड ही ताकतवर है। तो भाई हमने यहाँ पे 2 बार में शीप मार दी है। अभी हमारे पास जो है वो मीट है, मतलब जो शीप का मीट नहीं होता है, शीप का क्या होता है, जो भी होता है भाई, खाना तो खाना होता है ना। अभी गाइस पिग को भी मारेंगे, पर पहले थोड़ा क्राफ्टिंग टेबल से कुछ बना लेते हैं गाइस। तो भाई अभी हम लोग को फर्नेस की ज़रूरत है, क्योंकि खाना जो है ना भाई वो पका के खाना चाहिए, चाहे रियल ज़िंदगी में खाओ या फिर माइनक्राफ्ट वाली में
खाना पका के खाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे फर्नेस बना लिया है। अब जो हम लोग को खाना मिला है ना उसको पका देंगे गाइस। यहाँ पे हम लोग को चाहिए होगा थोड़ा फ्यूल, फ्यूल हमारे पास कोल नहीं है, तो हम यहाँ पे वुड डाल देंगे एंड वुड भी फ्यूल जैसे यूज़ होता है, आपको पता होगा। एंड अभी यहाँ पे हम लोग का खाना जो है रेडी होने वाला है, कुक्ड मटन। हाँ, शिप का मटन बनता है। ओके, पता चल गया। ओके, अभी जब तक ये बन रहा है तब तक गाइस हम लोग थोड़ा बहुत पेड़ वेड़ तोड़ लेते हैं। अरे यार क्या हो गया, हाथ से क्यों तोड़ रहा हूँ मैं, जाने दो, अभी नहीं तोड़ना, पहले हम लोग का खाना ले रहे भाई। ओके, दो बन गया है, कुक्ड मटन हो गया है, दो दो ले लिया है गाइस। एंड जो फ्यूल है वो भी हम हमारा वापस बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो फर्नेस में पड़ा रह जाएगा। एंड गाइस अभी हम फर्नेस को तोड़ लेते हैं पिकेक से और अपने साथ ले चलेंगे। तो गाइस हम लोग जब पिछली बार नीचे गए थे ना तब रात नहीं हुई थी, बट मेरे को लग रहा है इस बार जब हम नीचे जाएंगे माइनिंग करने रात हो जाएगी। एंड हमारे पास स्टोन भी थोड़ा बहुत कम है, हम लोग स्टोन को भी थोड़ा ज़्यादा माइन कर लेंगे गाइस। अभी हम लोग को वापस ऊपर जाना पड़ेगा यार ढकने के लिए, नहीं तो रात हो गई ना तो भाई निकल लिए अपन तो ज़ॉम्बी जाके मार के चले जाएंगे। एंड गाइस उसके बाद हम अपने घर के लिए जगह ढूंढेंगे अगली सुबह को। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है आज, जब रात को होएगा तो भी भाई हमारे पास कुछ घर वर है नहीं, अब ज़मीन के नीचे सोना पड़ेगा, बेड भी नहीं बनाया हुआ है गाइस। बेड बनाने के लिए 3 शीप को मारना पड़ेगा ताकि वुल मिल जाए, या फिर शेयर्स बनाना पड़ेगा शीप का वुल निकालने के लिए, और वो तो अभी पॉसिबल है नहीं। भाई कोल, कोल दिख गया भाई, कोल ले लेते हैं, थोड़ा फ्यूल काम आ जाएगा, टॉर्च बना लेंगे गाइस कोल की। इतना सारा कोल है भाई, 2 कोल मिल गए, तीसरा, और अभी यहाँ पे स्टोन और ले लेते भाई ताकि नीचे जाए, और ये चौथा कोल, चौथा, पांचवा, भाई बहुत सारा कोल है भाई, जितना ले सकते हैं हम लोग ले लेंगे क्योंकि भाई रात हो जाएगी तो टॉर्च की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड हम लोग पूरी रात यहीं पर निकालेंगे क्योंकि भाई ऊपर हम लोग को जाना नहीं है। अब बाई चांस अगर हम लोग का मन किया तो चले जाएंगे, बट मैं सोच रहा हूँ पूरी रात यहीं पे निकालूँ क्योंकि भाई अब ऐसे माइनिंग करते करते निकालेंगे पूरी रात, मज़ा आ जाएगी। एंड टॉर्च भी रख लेंगे, बहुत सारा माइनिंग हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से माइनिंग भी नहीं करूँगा मैं क्योंकि रात भर माइनिंग करेंगे एंड ज़्यादा अंधेरा हो गया ना भाई तो ज़ॉम्बीज यहीं पर स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। एंड अंधेरे में ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं तो हम लोग को अंधेरा भी नहीं होने देना है, एंड माइनिंग करेंगे तो नीचे जाते जाते थोड़ा बहुत अंधेरा होता जाएगा। अब उसमें अचानक से एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया तो भाई हो गया कल्याण। इसलिए गाइस हम लोग यहाँ पे अभी माइनिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, बट जितनी कर सकते कर लेंगे। तो भाई अभी क्राफ्टिंग टेबल हम लगा देते हैं, जितना कुछ बनता है बना लेते हैं भाई, स्टोन का ही बनाएंगे मेरे हिसाब से, तो देखते हैं भाई स्टोन का। हम लोग यहाँ पे स्टोन का जाने दो भाई, पहले टॉर्च बना लेते हैं क्योंकि अभी रात होने वाली है तो टॉर्च की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे टॉर्च ले चुके हैं एंड टॉर्च को हम यहाँ पे हैंड पे डालने का ट्राई करते हैं, बट गाइस नहीं हो रहा है तो अभी टॉर्च को लगाना ही पड़ेगा। भाई रात हो गई, भाई रात हो गई भाई, बच के रहना पड़ेगा, अब ज़ॉम्बी आ गया तो रास्ता ही बंद कर देता हूँ भाई, हो गया गाइस। अरे ऊपर का खुला हुआ है, अरे जैसे ओके गाइस बंद हो गया, फटाफट टॉर्च लगा देंगे। ओके अब ये हमारा रूम हो गया आज रात के लिए, फटाफट हम लोग गाइस यहाँ पे ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के वापस उठा लेते हैं। ओके अभी हमने क्राफ्टिंग टेबल ले लिया है, अभी हम लोग थोड़ा बहुत कोल और ले लेंगे भाई, कोल हमारे पास थोड़ा ही बचा है, जितना भी बचा है भाई थोड़ा कोल तो चाहिए रहेगा क्योंकि अगले दिन भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा, घर पूरा थोड़ी ना बनने वाला है गाइस। अभी यहाँ पे हम ये कर चुके हैं, अभी थोड़ा बहुत कोल ले लेंगे, कोल ले लिया भाई, कोल पड़ा है फिलहाल तो काफ़ी है, टॉर्च और बना लेते हैं या फिर कुछ और सामान बना लेते हैं भाई। क्राफ्टिंग टेबल को यहीं पर रख देते, अब उठाना क्यों है, पूरी रात यहीं पर निकालनी है गाइस हमको। हाँ भाई स्टोन की स्वॉर्ड बना लेते हैं, अच्छा खासा डैमेज देगी अगर ज़ॉम्बी वॉम्बी आ गया तो। एंड अभी यहाँ पर स्टिक थोड़ी बहुत और बना लेंगे, एंड अभी पिकेक्स, पिकेक्स की बारी आ गई, एक पिकेक्स काफ़ी है, दो की ज़रूरत नहीं है, अब उसको तोड़ेंगे नहीं भाई, या फिर तोड़ लेते हैं, रहने दो अगर कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी आ गया तो। हाँ वैसे ज़ॉम्बी से क्या डरना है, वो थोड़ी ना तोड़ ले जाने वाला है अपना क्राफ्टिंग टेबल, जैसे है वैसे ही रहने देते ना गाइस। अभी अपन यहाँ पे माइनिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत स्टोन के पिकेक्स से, जल्दी होएगा। अभी कोल हम लोग को जितना मिल रहा है ले लेते हैं, एंड ये और कोल मिल गया भाई, जितना कोल इकट्ठा कर सकते हैं ना कर लेंगे क्योंकि अगर एक बार ज़ॉम्बी आ गए ना हम लोग टॉर्च लगा देंगे वो जल के ही मर जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत और माइनिंग कर लेते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे, नहीं नहीं सामने ही चलते हैं, नीचे जाएंगे तो ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, सामने सामने टॉर्च लगा के चलेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी भाई। कॉबल स्टोन बहुत ले लिया, अरे टॉर्च टूट गई यार, वापस लगा लेते हैं गाइस। ओके अब फटाफट आगे चलते हैं, अभी नीचे नीचे माइनिंग नहीं करनी है भाई, ऊपर ही करते, चलो नीचे ही कर लेते, रहने दो नीचे ही कर लेते, थोड़ा बहुत आयरन वायरन मिलने का चांस बढ़ जाएगा। लो भाई और कोल, कितना कोल है यार, और कोल मिल गया भाई, और कोल, कितना कोल है यार यहाँ पे भाई, ज़्यादा नीचे माइन करते हो जाएंगे ना तो भाई हो गया कल्याण। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
नीचे कोई ज़ॉम्बी है भाई, कोई आवाज़ें आ रही है मेरे को ज़ॉम्बी की आवाज़ें आ रही है, मुझे मतलब किसी की आवाज़ें आ रही है भाई। जाते हैं, चलो ट्राई करते हैं भाई। ये क्या है, लैपिस लजूली नहीं क्या है ये, जो भी है जान दो, अभी हम लोग उससे मतलब नहीं है, काम का नहीं है, अभी हमारे काम का नहीं है गाइस वो। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टोन कोल जितना ले सकते थोड़ा बहुत ले लेते हैं आज की रात में, एंड बाद में डर्ट या फिर कुछ कॉबल स्टोन लगा लेंगे, इतना सारा स्टोन तो है, एंड वो लेते गाइस हम ऊपर चले चले। तो अभी हम यहाँ पे कोल थोड़ा बहुत और ले लेते हैं गाइस, अभी इतना कोल मेरे हिसाब से काफ़ी होगा, बट जितना ले सकते ले लेते ना यार, क्या जा रहा है, रहन दो भाई रहन दो, ले लेते हैं ये लैपिस लजूली लेना चाहिए, नहीं भाई रहन दो, लैपिस लजूली का ऐसे भी अपन को कोई काम नहीं है। एंड अभी जो जॉम्बी की आवाज़ आ रही थी मेरे हिसाब से वो जॉम्बी की नहीं थी भाई, वो स्पाइडर की थी मेरे को ऐसा लग रहा है, और ये आवाज़ मेरे को अभी और तेज़ आने लग गई है गाइस, बहुत ख़तरनाक आवाज़ आ रही है, क्या करे, लड़ना चाहिए या नहीं, ट्राई कर सकते हैं, पर भाई अंदर से मेरी बहुत गंदी वाली फट रही है, हाथ में ज़्यादा कुछ अच्छा है भी नहीं, स्पाइडर मार दिया मेरे को तो, अच्छा खासा मेहनत किया हुआ सारा सामान गाइस चला जाएगा हमारा, और करते जाते गाइस अंदर माइनिंग, एक बार अगर स्पाइडर सामने आ गया तो जैसे तैसे सामना तो कर ही लेंगे। भाई मेरी फट रही है, भाई मेरी फट रही है, भाई मेरी फट रही है यार, जाना पड़ेगा गाइस, हमको वापस ऊपर जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा भाई, मेरे से ऐसे रहा नहीं जाएगा भाई, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा, मेरे से ऐसे नहीं रहा जाएगा। फिर भी माइनिंग करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ भाई, करूँ या नहीं करूँ, कर लेता हूँ भाई, क्या जा रहा है, मर जाएंगे तो वापस स्पॉन तो हो ही जाएंगे। डर्ट आ गया भाई, ये डर्ट है क्या है, ये डर्ट तो नहीं लग रहा है भाई मेरे को, ये डर्ट नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही कचरा है, क्या है भाई ये, पहली बार देख रहा हूँ गाइज मैं तो इसको। अगर गाइज आपको पता है ये क्या है तो कमेंट में बता देना भाई, कुछ अजीब सा ही ब्लॉक है गाइज, ये तोड़ लेते हैं यार, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी भाई ऊपर हम लोग जैसे तैसे तो चले जाएंगे, बट नीचे जाने में डर लग रहा है गाइज मेरे को, फट रही है मेरी, मेरी फट रही है भाई, फट रही है, जाऊँ या नहीं जाऊँ, चले जाते हैं गाइस, जितना हम लोग का जहाँ तक मन हो रहा है वहाँ तक जाते हैं। ये ग्रेवल है ना, शायद ये ग्रेवल था, ये ग्रेवल है, नहीं मेरे को नहीं लग रहा ग्रेवल है, क्योंकि भाई ग्रेवल ग्रेवल अगर एक गिरता है तो दूसरा अपने आप नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है भाई। ये क्या था, इतना सारा एक साथ नीचे, ओ वो एक ही बार वो ब्लॉक ही बड़ा था, तोड़ लेते हैं भाई जितना तोड़ सकते हो, और भाई डर लग रहा है मेरे को, अभी भागते हैं गाइस बाहर जाएं, अभी बाहर चले जाते हैं भाई, अभी यहाँ पे अपन को रहना नहीं है, बाहर जाते हैं। अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, इसको डर्ट से तोड़ रहा हूँ, पागल हूँ भाई मैं, तोड़ क्यों रहा हूँ, मैं तो डर्ट लगा के ही चला जाता हूँ, डर्ट ही ख़त्म हो गया, कोई चिंता नहीं अपन इसको तोड़ के, अरे यार वापस हाथ से तोड़ने लग गया भाई, मेरी अक्कल गई ली है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ये डर्ट नहीं है, ये तो वो दूसरा रे फालतू ब्लॉक्स है जो अभी अपन को मिले थे। अभी हम लोग थोड़ा और ऊपर आ गए हैं, टॉर्च वापस उठा लेते हैं भाई, टॉर्च बहुत महंगी होती है भाई। अरे वापस उधर ही लग गई, ओके यार टॉर्च वापस उठानी पड़ेगी। अरे टॉर्च से क्यों तोड़ रहा हूँ मैं इसको बे यार, भाई मैं पागल हूँ भाई, मैं सच में पागल हूँ भाई, पागल ही हूँ मैं यार। तो भाई टॉर्च को तोड़ लेते हैं एक बार, क्योंकि भाई टॉर्च महंगी होती है, वापस उधर ही लगा दी मैंने गलती से, अभी ऊपर लगा देते हैं। ओके अब फटाफट ऊपर चलते हैं, जो भी लगाएंगे भाई कुछ ना कुछ लगा के ऊपर चलना ही है। क्या लगाए क्या लगाए, ये डायोराइट नाम का ये फालतू सा स्टोन पड़ा है, इसको लगा देते हैं। गाइस डायोराइट का क्या यूज़ होता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मुझे पता नहीं है गाइस, प्लीज़ बता देना प्लीज़ भाई प्लीज़। एंड अभी चार डायोराइट और पड़े हैं, लगा देंगे, एक टॉर्च भी लगा देंगे ऊपर की तरफ में, ताकि हम लोग जहाँ ऊपर पहुँचे तो हम लोग को थोड़ी बहुत लाइट आती रहे, ताकि कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी स्पॉन ना हो भाई। अरे स्टोन पिकेक्स क्यों लगा रहा हूँ मैं, हाँ अब डायोराइट लगाना है गाइस, ऊपर जाते रहना है हम लोग को, अभी इतना ऊपर काफ़ी है। नहीं भाई और ऊपर जाना है भाई, कहाँ तक जाना है गाइस, चलते हैं पहले टॉर्च ले लेते भाई, अरे टॉर्च ले लेते पहले, हाँ अभी डायोराइट एक ही बचा है, ये कॉबल स्टोन तोड़ लेते। अरे यार वापस मैं डायोराइट से तोड़ने लग गया, फटाफट तोड़ते हैं स्टोन पिकेक से। अभी रात है, डर लग रहा है मेरे को, अब सो तो सकते हैं नहीं भाई। ओके अभी इसको, अरे वापस स्टोन से तोड़ने लग गया मैं भाई, पागल हूँ मैं सच में,
भाई नीचे गिरता मैं, अब ये गिर गया, कोई बात नहीं। इसको क्यों तोड़ूँ, इसको ही तोड़ लेता हूँ। अबे इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिया भाई। क्या है यार, अभी हम लोग को कॉबल स्टोन लगा के ऊपर जाना पड़ेगा गाइस। लगा लेते हैं, ज़मीन के नीचे ही मिला है, यहीं से मिला है तो यहीं पे लगा लेते हैं। अपन का क्या जा रहा है, ये लैपिस लजूली, इसका कुछ काम तो है नहीं मेरे हिसाब से। मेरे को अभी और स्टोन तोड़ लेते हैं, स्टोन से ही चले जाएंगे ऊपर। कोल भाई ऊपर की ज़मीन ही तोड़नी पड़ेगी, तोड़ लेते हैं जितना ऊपर तक, तोड़ तोड़ के ही जाएंगे। वो जितना तोड़ा है उसी के सहारे हम लोग ऊपर चले जाएंगे गाइस। बाद में लास्ट में जब एक ब्लॉक कम पड़ेगा उसमें हम लोग जंप मार लेंगे। फटाफट चलते हैं भाई। तो भाई हम यहाँ पे अभी ऊपर चढ़ने वाले हैं। अरे जंप क्यों नहीं हो रहा है? ओ मैं पीछे खड़ा था थोड़ा सा, मतलब आगे खड़ा था। अभी धीरे धीरे ऊपर जाना है। टॉर्च चाहिए भाई, टॉर्च चाहिए, टॉर्च थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। अरे इधर ही लग गई। अरे ये क्या था, टॉर्च लगा रहा था मैं भाई, पागल हूँ मैं। ओके अभी स्टोन पिकेक्स लेके इस टॉर्च को तोड़ेंगे एंड डायरेक्टली गाइस ऊपर लगाएंगे। एंड अभी ये ऊपर लगा दी। ओके फटाफट ऊपर चलते हैं भाई। स्टोन डायोराइट ले लिया, डायोराइट एक पड़ा था। एंड अभी कॉबल स्टोन से यहाँ तक आ गए हैं, इसको वापस। अरे हाँ अभी टॉर्च को तोड़ लिया, वापस ऊपर लगाएंगे। ये क्या है वो, ऊपर वापस तोड़ना पड़ेगा गाइस। स्टोन पिकेक्स से तोड़ते, अरे यार मैं वापस टॉर्च से तोड़ने लग गया यार, स्टोन पिकेक्स लेना है। तो हम लोग फटाफट तोड़ लेते हैं भाई। भाई रात हो गई, भाई रात हो गई नहीं, दिन ही है भाई, दिन ही है अब तो। फटाफट चलते हैं भाई ऊपर, अभी दिन ही है, दिन है तो क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं। दो तीन और एक कॉबल स्टोन जाएगा भाई बस, दो। अरे इतने कितने, ओके भाई नो प्रॉब्लम, अभी हम ऊपर आ गए। एंड गाइस इस एपिसोड में बस इतना ही, अब अगले एपिसोड के लिए आपको वेट करना है भाई। क्रीपर क्रीपर भागो 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 भाई, भाई भाई फट गया, हाँ हो गया काम भाई। स्पाइडर पीछे से भी पड़ रही है भाई, स्पाइडर भागो भाई, भागो भाई भागो भाई। एपिसोड की बात बाद में करेंगे, पहले इनको मारते हैं या फिर भागते हैं। भाई मार ही देता हूँ, भाई मार ही देता हूँ। भाग इधर से तेरी ऐसी की तैसी, भाग भाग इधर से ऐसी की तैसी तेरी। भाई दूसरी वाली देखो भाई, डर गई डर गई डर गई साली। भाई इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग और भी बहुत सारे काम करेंगे, घर बनाएंगे अपना। तो भाई इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड के लिए वेट करना गाइस। और हो सके तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़।